विश्वनाथ के गोहपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गोहपुर महकमा के 10 पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों को बचाने के लिए बचाव दल और SDRF की टीम काम में लगी हुई है। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए आज स्थानीय विधायक उत्पल बोरा ने मौके का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर उनकी इस मुश्किल घड़ी में हर तरह से मदद करने का भरोसा दिलाया। प्रभावित लोगों को रखने के लिए कई जगह राहत शिविर बनाए गए हैं। विधायक ने लोगों को भरोसा दिलाया कि लोगों के लिए अनाज और पशुओं के लिए पशु आहार पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम भी हर शिविर में दौरा कर लोगों के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखेगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में जब हमारे स्थानीय संवाददाता ने विधायक से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा। क्या बोलेंगे आप? ये गोहपुर के हमारा क्षेत्रों का ये जबरदस्त नहीं है, ये तो गंभीर है। फ्लड सिचुएशन जो है वो पूरा गंभीर है। ये आज 3-4 दिन से पहले एक बार बाढ़ हुआ है। बाढ़ जो हुआ है वहाँ पे भी बहुत हम लोग का डैमेज हो चुका है, लेकिन अभी जो देखा है पानी का जो हालत देख रहा है, अभी पानी बाढ़ रहा है तो ब्रह्मपुत्र का पानी हाई लेवल से आ रहा है, लेकिन हमारा यहाँ कम से कम 10 पंचायत को पूरा रुइन हो गया। यहाँ का जितना खेत है वो खेत पत्थर सब खत्म हो गया। ये किसान इस साल ही हुआ या हर साल होता है? नहीं, हर साल होता है, लेकिन हमने देखा है ये हम लोग का सेकेंड हाईएस्ट फ्लड है ये साल का। ये पहले जो फ्लड था उसी से थोड़ा ज्यादा हो गया। पहले कम होता था? हाँ, पहले कम होता था लेकिन अभी ज्यादा हो गया। ऐसा क्यों होता है कि हर बार ये फ्लड होता है लेकिन इसका प्रिकॉशन का कोई व्यवस्था नहीं किया गया? ये इसका कारण बहुत हो सकता है। ये हम लोग का पानी का जो आगे ऊपर का जो अरुणाचल में जो बाढ़ ज़्यादा हो रहा है, बारिश ज़्यादा हो रहा है, उसी वजह से ब्रह्मपुत्र का लेवल थोड़ा ऊपर आ रहा है। और इसी का हम लोग ने तो पूरा कोशिश किया था। हम लोग ने अभी ये अब विंटर सीजन में हम लोग माथौरी का काम पूरा, एम्बैंकमेंट का काम पूरा किया है, तभी तो इसीलिए अभी तक हम लोग फाइट कर सकता है। एम्बैंकमेंट अभी तक सुरक्षित है। क्या इसका कोई स्थायी समाधान भी है? स्थायी समाधान के लिए तो हम लोग का सरकार ने पूरा कोशिश कर रहा है। आप लोग देखिए ड्रेजिंग का सिस्टम भी लिया है, लेकिन ये प्रॉब्लम हमें हमारा नज़दीक जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का जो पहाड़ी नदी है वो पहाड़ी नदी का वजह भी कुछ हो सकता है। और ब्रह्मपुत्र का लेवल हाई होने का यही एक वजह है। चाइना का जो उसी से पानी आता है ना, उसी के पानी आने से वो डैम लेवल का कुछ हो सकता है। हमारा हिसाब से अब तक लोगों को बचाने के लिए क्या क्या व्यवस्था दिया गया? हम लोगों को बचाने के लिए हम लोग तो अभी SDRF का पूरा फोर्स हम लोग यहाँ तैनात किया है। उसके बाद NDRF का भी फोर्स अभी आ रहा है। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हम लोग पूरा यहाँ का जितना कैम्प हुआ है हमारा गोहपुर का, अभी 10 कैंप हमारा हिसाब से तो 10 कैंप हो सकेगा। अभी वहाँ पे भी 10 कैंप में हम लोग को रिलीफ का पूरा व्यवस्था कर लिया है। पानी का जुगाड़ के लिए हम पूरा व्यवस्था कर ले। देखिए रेवेन्यू का डिपार्टमेंट का सर्कल ऑफिस का तरफ से यहाँ मंडल खड़ा हुआ है, अभी कैंप का बगल में वो खड़ा होकर वो नोटिस कर रहा है कैसे पब्लिक को हम लोग सर्विस दे सकता है। उसी का बाद हम लोग देखेंगे, लेकिन मेडिकल का अभी कोरोना का पूरा सिचुएशन चल रहा है, इसीलिए हम लोग डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए हम देखा है जो मेडिकल टीम भी यहाँ आएगा और आके इसको मॉनिटरिंग करेंगे। हम किसी से हालत से हम पब्लिक को जब कष्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए हम ध्यान रखेंगे।